हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब अपन बात करेंगे राष्ट्रीय आय का। जो अगला टॉपिक है अपन लेकर आएंगे, बेसिक कंसेप्ट जो पढ़ रहे हैं अपन, पार्ट थर्ड में पढ़े हैं, उसी के अगला भाग अपन लेकर आए। और इसमें अंतर्गत अपन बात करेंगे कि निजी क्षेत्र की आय के बारे में, निजी आय के बारे में, साथ में राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, व्यक्तिक प्रयोज्य आय, व्यक्तिक आय क्या है, इन सब के बारे में अपन इसके अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे। माई सेल्फ महेंद्र लोमरोड, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज क्यूंसर नागौर। और अपन जैसे कि जानते हैं आप, राष्ट्रीय आय का ये टॉपिक है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, लेकिन एग्जामों की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं निजी आय, निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय या कारक आय, निजी क्षेत्र की आय। अभी तक अपन राष्ट्रीय आय पढ़ी थी, उसमें निजी आय भी, जैसे अपन क्षेत्र है उसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक निजी क्षेत्र और एक सरकारी क्षेत्र। और अपन यहाँ पर अध्ययन करना चाह रहे हैं निजी क्षेत्र की आय कैसे निकाल सकते हैं, यानी निजी क्षेत्र को जो आय है उसको कैसे निकाल सकते। निजी क्षेत्र की शुद्ध घरेलू आय निकालनी अपने को, तो अपने को घरेलू आय में जो अपने राष्ट्रीय मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद निकाला था, उसमें से अपन सरकारी क्षेत्र की आय अपन निकाले, यानी सरकार के आय को निकाल दें, तो अपने को मिल जाएगी निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, क्योंकि ये इसी से अपने को पता चलेगा कि इसको अपन सीधा अगर बोले बात करें तो अपने को पता चल जाएगा कि निजी क्षेत्र की आय में से क्या अंतर है, कि निजी आय से ही अपने को फिर निजी आय निकाल, निजी क्षेत्र की आय से ही अपने को निजी आय निकालनी है, तो उसके लिए इसका अध्ययन है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। निजी क्षेत्र में आय में से अपन सीधे से समझ गए, यहाँ पे घरेलू आय में से अगर सरकार की आय निकाल देंगे तो निजी क्षेत्र की आय मिल जाएगी अपने। लेकिन सरकार की कौन कौन सी आय है जो अपने को निकालेंगे तब अपने को निजी क्षेत्र की आय मिलेगी। निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त अगर साधन आय अपने को निकालनी है, यानी शुद्ध साधन आय का मतलब ये हो गया कि साधन कीमत पर अगर शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है, उसको अपन शॉर्ट में घरेलू आय भी कह सकते हैं, यानी निजी क्षेत्र को घरेलू आय का अगर अपने को निकालनी है तो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी NDP फैक्टर कॉस्ट में से माइनस करेंगे अपन सरकार की विभागीय उद्यमों की संपत्ति तथा उद्यमवर्ती से प्राप्त आय, और दूसरी माइनस करेंगे अपन गैर विभागीय उद्यमों की बचतें। अब आप कहोगे ये क्या चीज है, सरकार को भी उद्यम, सरकार के भी उद्योग होते हैं, उनको भी उनसे संपत्ति, उनकी संपत्ति से भी संपत्ति भी होती है, तो उनसे भी सरकार की भी भूमि होती है, उनसे भी सरकार को भी आय होती है, उद्योगों से भी सरकार को भी लाभ होता है, आय प्राप्त होती है। तो उसी प्रकार ये सरकार के विभागीय उद्यमियों की संपत्ति तथा उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय वो कटाएंगे, और साथ में माइनस करेंगे अपन गैर विभागीय उद्यमियों की बचत, यानी गैर विभागीय उद्यमियों से जो आय होती है उनको अपन सरकार की बचत के नाम से ही जानते हैं, यानी इसे गैर विभागीय उद्यमियों की बचत। इन दोनों को अगर अपन माइनस कर देते हैं तो अपने को मिल जाएगी निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय। यानी बहुत सिंपल है कि अगर अपने निजी क्षेत्र की आय निकालनी है तो इन दो प्रकार की सरकार की आय को अपने को घटानी पड़ेगी, यानी सरकार के विभागीय उद्यमियों की संपत्ति तथा उद्यमवर्ती से प्राप्त आय और माइनस गैर विभागीय उद्यमियों की बचतें, तो अपने को मिल जाएगी निजी क्षेत्र की घरेलू आय। अब अपन पढ़ते हैं अगला जो कंसेप्ट लेकर आए हैं वो है निजी आय। निजी आय यानी प्राइवेट इनकम, PI। और निजी आय अपने को, मैं इसलिए नहीं, पहले अपन ने निजी क्षेत्र की आय पढ़ी है क्योंकि निजी आय यहाँ पे जो अभी तक जितनी पढ़ी है अपने 10 कंसेप्ट पढ़े हैं उसमें सब अर्जित आय थी, लेकिन यहाँ पे जो अब इसके आगे जो कंसेप्ट पढ़ेंगे उसमें अर्जित होना जरूरी नहीं है कि एक आय हो सकती है, अर्जित भी हो सकती है और बिना अर्जित यानी हस्तांतरण आय भी शामिल उसमें होगी। निजी आय को मतलब है निजी क्षेत्र को, जिसमें व्यक्ति भी होती है, संस्थाएं भी होती है, सबको सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली साधन आय एवं हस्तांतरण आय होती है। यानी साधन जो अर्जित करते हैं तो वो तो है ही है, इसके अलावा उनको जो भी हस्तांतरण आय, यानी हस्तांतरण आय अपन ने पढ़ा था कि एक पक्षीय भुगतान है जिसके बदले में कोई भी भुगतान नहीं किया जाता, यानी अर्न नहीं होती है,
तो साधन आए जिसके बदले में अपने को कुछ, जैसे श्रम अपनी श्रमी की सेवाएं देगा तो मजदूर मिलेगी, एक बदले कुछ देना पड़ता है। लेकिन हस्तांतरण आय में कोई कुछ, जैसे छात्रवृत्ति मिली तो कुछ भी नहीं देना पड़े। तो इसके अंतर्गत घरेलू क्षेत्र तथा विदेशों से निजी क्षेत्र को प्राप्त होने वाली संपूर्ण आय शामिल होती है। यानी निजी क्षेत्र के जो भी व्यक्ति और संस्था, उनको सभी स्रोतों से, चाहे वो अर्जित हो चाहे बिना अर्जित हो, चाहे साधन आय हो चाहे हस्तांतरण आय, सब प्रकार की आय वो शामिल होगी। वो घरेलू क्षेत्र की भी होगी और विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल होगी। यानी अगर निजी आय निकालनी है अपने को, अगर मैथमेटिकली क्वेश्चन भी आए या कोई अगर मान लो अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे, तो उसमें देखो निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय, यानी अभी अपन ने पढ़ा है जो निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय में निकालनी हो अगर अगर अपने को, तो एनडीपी फैक्टर को उसमें से माइनस की थी अपने संपत्ति, सरकार की संपत्ति व उद्यमवृत्ति से आय और माइनस गैर विभागीय उद्यमों की बचते हैं, तो अपने को आ जाएगी निजी क्षेत्र की शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय। इसमें अपन जोड़ेंगे यहाँ पे, अब देखो इसमें क्या क्या जोड़ते हैं अपन। एक तो अपन पहले जोड़ते हैं इसमें राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, यानी निजी व्यक्ति होते हैं वो सरकार को ऋण देते हैं, उनसे मिलने वाला ब्याज है वो इसमें शामिल होता है, यानी राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज है वो शामिल होगा। दूसरा अपन इसके अंतर्गत अगर बात करें तो वो शामिल होगी वो है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधना, यानी अपन बात की थी इसके अंतर्गत घरेलू और विदेशों से सभी क्षेत्रों से प्राप्त आय होगी, यानी अपने जो सामान्य निवासी यहाँ पे भी काम कर रहे हैं बाहर भी काम कर रहे हैं, उन सब की आय को क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। तो इसलिए इसमें है ना जो आय है वो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय भी इसके अंतर्गत शामिल होगी। और तीसरा जो है सरकार से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण, यानी सरकार से जो अपने को हस्तांतरण भुगतान प्राप्त हो रहा है वो शामिल होगा। और चौथा है अपने को शेष विषयों से भी हस्तांतरण भुगतान प्राप्त हो सकता है, उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। यानी ये सभी जो है वो इन सभी क्षेत्र अगर अपन जोड़ेंगे तो अपने को एक निजी आय है वो प्राप्त हो जाएगी। और एक दूसरे तरीके से भी निजी आय को निकाल सकते हैं, मान लो निजी अपने को मान लो राष्ट्रीय आय दी हुई है या एनएनपी फैक्टर कोस्ट दिया हुआ है, यानी एनएनपी के फैक्टर कोस्ट यानी राष्ट्रीय आय दी हुई है और अपने को निजी आय निकालनी है, तो अपन क्या करेंगे उसमें माइनस करेंगे सरकार की संपत्ति व उद्यमवर्ती से आय माइनस गैर विभागीय उद्यमियों की बचतें प्लस करेंगे राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में पहले से विदेशों से शुद्ध साधन आय प्राप्त है तो उसको दोबारा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए इसको नहीं जोड़ेंगे। फिर अपन जोड़ेंगे सरकार से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण और शेष विषयों से प्राप्त चालू हस्तांतरण, ये जोड़ेंगे तो अपने को प्राप्त हो जाएगी निजी आय। अगला जो कंसेप्ट ले रहे हैं वो व्यक्ति का है। निजी आय और व्यक्ति का आय में अंतर क्या है कि जैसे व्यक्तियों कंपनियों की जो आय होती है वो सारी की सारी व्यक्तियों को नहीं मिलती है। जैसे व्यक्ति क्या जैसे कंपनी होती है, कंपनी के पास लाभ प्राप्त होते हैं, उस लाभ में से कंपनी के लाभ 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 के तीन भाग होते हैं। एक तो लाभांश यानी जो लाभ का वितरित कर दिया जाता है, एक लाभ एक वितरित लाभ, और तीसरा निगम कर यानी जो लाभ प्राप्त हुआ उसके ऊपर कंपनी टैक्स देती है उसको कहते हैं निगम कर। और दूसरा जो कुछ लाभ कंपनियां बचा के रखती है, और लाभांश वो होता है जो शेयर होल्डर होते हैं उसके, एक शेयर होल्डर मतलब उसके एक तरीके से वो मालिक ही होते हैं, तो उनको जो उनके जो शेयर होल्डरों को जो मिलने वाले लाभ है उसको लाभांश कहते हैं। कुछ कंपनियां आगे निवेश करने के लिए बचा के रखती है तो उसको कहते हैं अवितरित लाभ। यानी जो इसमें से लाभांश ही है जो सिर्फ निजी व्यक्तियों को मिलता है, बाकी अवितरित लाभ और निगम कर निजी व्यक्तियों को नहीं मिलता है, यानी निजी पर्सनल इनकम यानी व्यक्तिगत आय पर्सनल इनकम, तो इसमें ये अवितरित लाभ और निगम कर शामिल नहीं होंगे। यानी व्यक्तिगत आय परिवारों को प्राप्त, यानी ये परिवारों को व्यक्तियों को प्राप्त होती है जो सभी प्रकार की साधन आय चालू हस्तांतरण का जोड़ है, और व्यक्तिगत आय के अंतर्गत व्यक्तियों को सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त होने वाली आय को शामिल किया जाए, यानी व्यक्तियों को जो सब आय प्राप्त होती है। अगर अपने को निजी आय दी हुई है और व्यक्ति का आय निकालनी है तो अपने को माइनस करना पड़ेगा निजी आय में से अवितरित लाभ और माइनस अपन करेंगे निगम कर। अगर ये दोनों माइनस करेंगे तो अपने को प्राप्त हो जाएगी व्यक्तिक आय, यानी व्यक्ति का आय को निकालना हो तो अपने को इसको इन दोनों को क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। अब अगला अपन कंसेप्ट पढ़ते हैं
और वो है व्यक्तिक प्रोज्या, व्यक्तिक प्रोज्या, पर्सनल डिस्पोजल इनकम, पीडीआई। देख व्यक्तिक प्रोज, व्यक्ति के पास आय आ गई, वो सारी की सारी जरूरी नहीं आय व्यक्ति के पास उसको खर्च करने और बचत करने के लिए हो, क्योंकि व्यक्ति को बहुत सारे उसमें से कुछ टैक्स देने पड़ते हैं, कुछ जुर्माने भरने पड़ते हैं, तो उसके कारण व्यक्ति के पास जो आय आती है वो सारी सारी खर्च योग्य आय नहीं होती। व्यक्तिक प्रयोज्य आय होती है वो सारी सारी खर्च योग्य, यानी व्यक्तिक आय व्यक्तिक प्रयोज्य आय में ये अंतर है कि व्यक्तिक आय होती है वो पूरी पूरी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता खर्चने के लिए, लेकिन व्यक्तिक प्रयोज्य आय वो आय होती है जो पूरी तरह से खर्च कर सकता है व्यक्ति, उससे स्वतंत्र होता है। यानी व्यक्तिक प्रयोज्य आय वह आय है जो व्यक्तियों को सभी स्रोतों से प्राप्त होती है और उनके पास सरकार द्वारा उनकी आय और तथा संपत्ति पर लगाए गए सब प्रकार करों का भुगतान करने के बाद बचती है। यानी जो भी कोई अपने से जैसे मान लो टैक्स देना हो, जुर्माना देना हो, वो सब कुछ अपन घटा देंगे, बाद में जो बचेगी यानी उस आय को अपन उपभोग भी कर सकते हैं, बचत भी कर सकते हैं, वो आय होती है व्यक्तिक प्रोज्य आय। यानी व्यक्तिक आय माइनस करेंगे अपन प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष व्यक्ति कर यानी डायरेक्ट टैक्स जो आय कर होते हैं इस तरह, और माइनस करेंगे अपन सरकारी फीस व जुर्माने, यानी सरकार के प्रशासन विभागों विविध प्राप्तियां अथवा ग्रस्त द्वारा किए गए शुल्क और जुर्माने, अपन जो भी जुर्माना कोई लगे हो उसके प्रकार के या शुल्क देना हो तो उन सब शुल्कों को घटा देंगे तो अपने के पास जो आय बचती उसको व्यक्तिक प्रयोज्य आय, यानी व्यक्तिक प्रयोज्य आय को अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि व्यक्तिक प्रयोज्य आय इक्वल टू उपभोग प्लस बचत होती है, यानी सी प्लस एस सेविंग प्लस कंजप्शन, इनको जोड़ देंगे तो व्यक्ति प्रयोज्य आय मिल जाए, यानी जो व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार खर्च कर सकता है, किसी प्रकार से भी खर्च करने के लिए स्वतंत्र होता है, वो होती है व्यक्तिक प्रयोज्य आय। अब अपन इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक पढ़ते हैं, वो है राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय का मतलब है कि जो राष्ट्र के पास ऐसी आय जो खर्च करने के लिए उपलब्ध है, यानी राष्ट्रीय प्रयोज्य आय से अभिप्राय किसी देश की बाजार कीमत पर उस साधन आय से, बाजार कीमत पर उस शुद्ध साधन आय से जो देश की खर्च करने के लिए उपलब्ध होती है, यानी जो उसे खर्च कर इच्छानुसार उपयोग करने के लिए उपलब्ध होती है, यानी किसी देश की राष्ट्रीय प्रयोज्य आय उस देश की राष्ट्रीय आय शुद्ध प्रत्यक्ष कर तथा सेंस विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण आय का जोड़ होती है, यानी जो राष्ट्रीय आय अपन एनएनपी फैक्टर कोर्स पढ़ते हैं उसमें से अपन प्लस कर देंगे शुद्ध प्रत्यक्ष कर, क्योंकि यहाँ पे बाजार कीमत के बारे में बात की जा रही है, और साथ में अपन शामिल कर देंगे सेंस विश्व से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण, यानी जो भी अपने को सेंस विश्व से शुद्ध अपन ने उनको दिया है वो घटा देंगे और अपन ने उनसे लिया वो अपन जोड़ देंगे, तो चालू हस्तांतरण आय को जोड़ देंगे और शुद्ध प्रत्यक्ष कर को जोड़ देंगे अगर राष्ट्रीय आय में, तो अपने को मिल जाएगी राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, यानी वो आय जो अपन के खर्च और उपभोग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ये आय जो होती है राष्ट्र, इसका मतलब है राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में जो अंतर है वो किस चीज का है, एक तो ये है कि राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण आय शामिल नहीं होती है जबकि राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में हस्तांतरण आय शामिल होती है। राष्ट्रीय आय होती है वो साधन लागत पर होती है जबकि राष्ट्रीय प्रयोज्य आय होती है वो बाजार कीमत पर होती है, क्योंकि सारा राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में शुद्ध प्रत्यक्ष कर शामिल होता है। अब अगला जो टॉपिक अपन इन ले रहे हैं वो अपन ये कंसेप्ट अब सभी पढ़ लिए कि राष्ट्रीय आय के कौन कौन से कंसेप्ट है, इसके आधार पर राष्ट्रीय आय का कोई सा भी क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अपन यहाँ देखते हैं कि राष्ट्रीय आय निजी आय में अंतर क्या है, जैसे अपन राष्ट्रीय आय पढ़ा था निजी आय पढ़ा था, इन दोनों में अंतर क्या है। देखो राष्ट्रीय आय होती है इसमें सरकारी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की आय शामिल होती है जबकि निजी आय में केवल निजी क्षेत्र की आय ही शामिल होती है, यह कभी कभी अंतर भी एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा है कि राष्ट्रीय आय इसमें हस्तांतरण भुगतान शामिल नहीं होता, मतलब राष्ट्रीय आय सिर्फ अर्जित आय होती है साधन आय होती है जबकि निजी आय में सब प्रकार की आय होती है, अर्जित आय और हस्तांतरण आय दोनों ही शामिल होती है, इसलिए इसमें हस्तांतरण भुगतान शामिल किए जाते हैं। राष्ट्रीय आय में क्या होता है कि इसमें राष्ट्रीय ऋणों पर दिए गए ब्याज को शामिल नहीं किया जाता, जबकि इसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय ऋणों पर दिए गए ब्याज को निजी आय में शामिल किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय यानी मतलब जो सरकार क्षेत्र से जो ऋण दे रहे हैं उनसे अगर आय होती है व्यक्तियों को, वो एक तरीके से उनके लिए आय होती है, वो ऋण देते हैं तो उधार देते हैं, तो इसलिए ये निजी आय में दोनों शामिल होते हैं। अगला अंतर अगर देखें तो व्यक्तिक आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है, व्यक्तिक आय भी पढ़ी थी अपन राष्ट्रीय आय भी पढ़ी, तो व्यक्तिक आय देखो ये आय सृजन संबंधी उदाहरण है, मतलब जो अर्न करने वाली आय है साधन आय, तो व्यक्तिक आय वो सभी प्रकार की प्राप्तियां शामिल है, ये धारणा आय प्राप्ति संबंधी धारणा से
संबंधित राष्ट्रीय आय है उसमें सार्वजनिक निजी क्षेत्र दोनों शामिल होते हैं, जबकि व्यक्तिगत आय में सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र की आय शामिल की जाती है। और राष्ट्रीय आय होती है इसमें केवल साधन आय शामिल की जाती है, हस्तांतरण आय को शामिल नहीं किया जाता, जबकि व्यक्तिगत आय में साधन आय हस्तांतरण आय दोनों शामिल होते हैं। राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज शामिल नहीं होता, जब व्यक्तिगत आय में राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज शामिल होता है। राष्ट्रीय आय निगम कर और निगम बचते हैं यानी दोनों शामिल होती है, जबकि इसमें निगम बचते का मतलब है वितरित लाभ दोनों शामिल होते हैं, जबकि एक व्यक्ति का आय दोनों शामिल नहीं होते हैं। अपन देखा था कि निजी आय में से माइनस किए थे निगम कर और माइनस वितरित लाभ, तो अपने व्यक्ति का आय प्राप्त हुई थी। अगला अंतर अपन ले, तो ये अपन अंतर अपने सभी अपने पढ़े हैं, और अभी तक जो राष्ट्रीय आय से संबंधित सभी अवधारणाएं पढ़ी है उसको अगर अपन थोड़े मोटे मोटे रूप में अपन जल्दी से देखें तो अपन ये चीजें पढ़ी अभी। तो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य, यानी अपन पढ़ा एक वर्ष में एक देश घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा जो वस्तुओं सेवाएं उत्पादित हुई उनके बाजार मूल्य का योग होता है, वो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP MP होता है। और बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है तो अपने को मतलब सकल और घरेलू राष्ट्रीय और घरेलू अंतर है वो विदेशों शुद्ध साधन आय का होता है, तो अपन GDP MP प्लस कर देंगे NFIA। और बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है अपने को तो अपन देखेंगे GNP में माइनस कर देंगे, शुद्ध और सकल अंतर होता है वो होता है D का यानी मूल्यह्रास का, तो माइनस कर देंगे अपन D। और बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना है तो अपन NNP मार्केट प्राइस अपन दे रखा था, अपने NDP मार्केट प्राइस निकालनी तो माइनस कर देंगे अपन विदेशों से शुद्ध साधन आय यानी NFIA। और साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना, साधन लागत पर निकालना है तो NDP MP में माइनस कर देंगे अपन शुद्ध अप्रत्यक्ष कर या माइनस कर देंगे अप्रत्यक्ष कर और प्लस कर देंगे सब्सिडी। और साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद निकालना है अपने को तो NDP फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर देंगे अपन D, क्योंकि सकल निकालना है शुद्ध दिया हुआ है तो D प्लस कर देंगे। और साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP फैक्टर कॉस्ट निकालना है, और अगर अपने GDP फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है तो अपन प्लस कर देंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष विदेशों से शुद्ध साधन आय, क्योंकि यहाँ पर घरेलू और राष्ट्र का अंतर है। और साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय निकालनी है तो अपन GNP फैक्टर को दिया हुआ है तो माइनस कर देंगे D, यानी यहाँ पे शुद्ध और सकल का अंतर है बाकी सब सेम है तो D माइनस कर देंगे तो अपन मिल जाएगी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNP फैक्टर कॉस्ट। और राष्ट्रीय प्रयोज्य आय निकालनी है अपने को तो राष्ट्रीय प्रयोज्य आय निकालनी है तो अपने NDP फैक्टर कॉस्ट में अपन जोड़ देंगे विदेशों से शुद्ध साधन आय, जोड़ देंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, जोड़ देंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण। और अगर अपने को सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय निकालनी है तो अपने को शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में प्लस कर देंगे D, यानी सकल शुद्ध निकाल दी हुई है और सकल निकालनी है तो D का अंतर होता है। और निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय अगर अपने को निकालनी है तो अपने क्या पढ़ना पड़ेगा कि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में माइनस करनी पड़ेगी सरकारी विभागीय उद्यमों की संपत्ति तथा उद्यम वृत्तियों से प्राप्त आय माइनस गैर विभागीय उद्यमों की बचते। और निजी आय निकालनी है तो निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय प्लस सरकार से प्राप्त चालू वर्तमान हस्तांतरण प्लस शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण प्लस राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज। और अगर व्यक्ति का आय निकालनी है तो अपने निजी आय में से माइनस करने पड़ेंगे निगम कर और वितरित लाभ। और व्यक्तिगत प्रयोज्य आय निकालनी है तो व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर माइनस परिवारों द्वारा दिए गए विविध शुल्क और जुर्माने कर देंगे तो अपने को मिल जाएगा व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। यानी अभी तक ये अपन 14 कंसेप्ट पढ़े थे, ये सभी के सभी अपन ने ये लास्ट में वापस एक तरीके से अध्ययन किए हैं, और एग्जाम में हो सकता है इनमें से डायरेक्ट पीछे वाले अपन पूछें और आपको समझने में आसानी रहे। ओके, थैंक यू।